हेलो स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक की है ई पेमेंट सिस्टम बारे कि ई पेमेंट सिस्टम की होंगे। फर्स्ट वीडियो के आप गल की ई कमर्स की होंगे, उसकी एडवांटेज की है, टाइप्स की है, डिसएडवांटेज की है। अज आप कर रहे हैं ई पेमेंट सिस्टम की होंगे। ई पेमेंट की फुल फॉर्म की होंगी है इलैक्ट्रॉनिक पेमेंट। जो असी कोई भी प्रोडक्ट है उन्होंने ऑनलाइन खरीदते हैं तो जी वो पेमेंट है वह भी आप ऑनलाइन करते हैं। जिहड़े भी वे नाल असीं पेमेंट करते हैं, मीनस क्रैडिट कार्ड नाल कर रहे हैं, डेबिट कार्ड नाल जां स्मार्ट कार्ड नाल, तां इह सारा कुछ की है ई पेमेंट सिस्टम विच आउंदा है। पेमेंट करन दे लई जदों किसी भी इलैक्ट्रॉनिक मीडियम नूं यूज़ करते हैं तां उह की कहाउंदा है, ई पेमेंट सिस्टम कहाउंदा है। ई कमर्स साइट्स यूज इलैक्ट्रॉनिक पेमेंट। जो ई कमर्स साइट्स है वह इलैक्ट्रॉनिक पेमेंट की वरतों कर दी हैं। वेयर इलैक्ट्रॉनिक पेमेंट रैफर टू पेपरलैस मोनिटरी ट्रांजैक्शन। जो इलैक्ट्रॉनिक पेमेंट होंगी है वह की होंगी है, एक पेपरलैस मीनस कागज़ रहित लेन देन है। इलैक्ट्रॉनिक पेमेंट ने की किया, जो कागजी कार्रवाई है जो लेन देन की लागत है, इस तो बिना लेबर की लागत है, उन्होंने काफ़ी घटाता। इस दे नाल की होया, कारोबार की जो प्रक्रिया उदे विच की है क्रांति लियांदी है। जो मैनुअल प्रोसैस है उदे नालों जो ऑनलाइन प्रोसैस हुंदी है उदे विच टाइम की बचत हुंदी है, मतलब टाइम घट लगता है। इस तो बिना इन्हें की किया, जो कारोबारी संगठन है उदे विच भी विस्थार लियाउण विच सहायता की है। हुण असी कुछ इलैक्ट्रॉनिक पेमेंट वे बारे गल करते हैं, जिमें क्रैडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, स्मार्ट कार्ड है, ई मनी है, ई एफ टी है। इहदे विचो फस्ट आपां गल करांगे क्रैडिट कार्ड बारे कि क्रैडिट कार्ड की हुंदा है। पेमेंट यूजिंग क्रैडिट कार्ड इज़ वन ऑफ मोस्ट कॉमन मोड ऑफ इलैक्ट्रॉनिक पेमेंट। मीनस की है कि क्रैडिट कार्ड की वरतों नाल जिहड़ी पेमेंट करते हैं वह इलैक्ट्रॉनिक पेमेंट के सब तो आम ढंगा विचों की है एक है। क्रैडिट कार्ड इज स्माल प्लास्टिक कार्ड विद ए यूनीक नंबर अटैच्ड विद एन अकाउंट। कहिंदे जो क्रैडिट कार्ड हुंदा वो की हुंदा, एक छोटा जिहा प्लास्टिक का कार्ड हुंदा जिसका एक यूनीक नंबर हुंदा, तो वह किस दे नाल अटैच हुंदा, जो बैंक अकाउंट है उस दे नाल अटैच हुंदा। इस तो बिना इहदे विच एक चुंबकी स्ट्रिप लगी हुंदी है, जो कि है जो कार्ड रीडर होंदे आ उन्हां द्वारा क्रैडिट कार्ड पढ़न दे लई वरती जांदी है। जदों कोई गाहक क्रैडिट कार्ड दे राहीं कोई प्रोडक्ट खरीददा तां उहदी पेमेंट भी वह क्रैडिट कार्ड राहीं कर दिंदा है। क्रैडिट कार्ड उहनूं कौन मतलब इशू करांदा है, बैंक राहीं इशू हुंदा है, ते बाद विच जिहड़ा उहदा बिल हुंदा है क्रैडिट कार्ड दा वह की करदा है, गाहक बैंक विच जाके उहनूं पे कर दिंदा है। इट इज़ यूजली क्रैडिट कार्ड मंथली पेमेंट साइकल। आम तौर पर की होंगे, जो क्रैडिट कार्ड है वह मंथली जो पेमेंट सर्कल है वह करता है। नैक्सट आप गल करते हैं डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड लाइक क्रैडिट कार्ड इज ए स्मॉल प्लास्टिक कार्ड विद ए यूनीक नंबर मैप्ड विद द बैंक अकाउंट नंबर। कहिंदे जो डेबिट कार्ड हुंदा वह भी किहदी तरह हुंदा, क्रैडिट कार्ड की तरह ही हुंदा, एक छोटा जिहा प्लास्टिक का कार्ड हुंदा जिहदे विच जिसका एक यूनीक नंबर हुंदा, तो वह नंबर की हुंदा उस बैंक खाते दे नाल उहनूं मैप किया जाता है। इट इज़ रिक्वायर्ड टू हैव ए बैंक अकाउंट बिफोर गैटिंग ए डेबिट कार्ड फ्रॉम द बैंक। मीनस की हुंदी है कि डेबिट कार्ड लैण तो पहला कहिंदे बैंक दे विच की होना चाहिए, अकाउंट होना चाहिए, मतलब पहला अकाउंट ओपन होना चाहिए डेबिट कार्ड लैण तो पहला। डेबिट कार्ड और जो क्रैडिट कार्ड है उन्हां विच की अंतर हुंदा कि डेबिट कार्ड राही जिहड़ी पेमेंट करदे आ वह की है, बैंक दे खाते विच्चों रकम है जिहड़ी वह तुरंत कट्टी जांदी है, अते जो ट्रांजैक्शन है जदों पूरी हो जाती है तो बैंक खाते विच काफ़ी उस टाइम बकाया होना चाहिए। मीनस की है कि जो डेबिट कार्ड राही आप कोई पेमेंट करते हैं उहदे लई एक तो पहला बैंक दे विच अकाउंट होना चाहिए, तो एक जो उहदे विच की होना चाहिए बकाया मतलब बैलेंस होना चाहिए। जदों भी वह आप कोई पेमेंट करांगे तो जिनी भी पेमेंट करते हैं वह अपने बैंक खाते दे विच उस टाइम ही कट्टी जाती है, जदों कि जो क्रैडिट कार्ड लेन देन करते हैं तो उहदे विच कोई भी अजिहा नहीं हुंदा।
डेबिट कार्ड्स फ्री द कस्टमर टू कैरी कैश एंड चैक मीन की है डेबिट कार्ड गाहकों नकद ते चैक लाए जाने लई मुफ्त दिंदे है ईवन मर्चेंट एक्सेप्ट ए डेबिट कार्ड रीडली इतों तक कि जोड़े व्यापारी होंगे वह भी डेबिट कार्ड को आसानी नाल स्वीकार कर लेंगे जो डेबिट कार्ड की वरतों है उदे नाल की होंगे एक दिन ही वापसी की जाती है। नैक्सट आप गल करते हैं स्मार्ट कार्ड बारे। स्मार्ट कार्ड इज अगेन सिमिलर टू ए क्रैडिट कार्ड और ए डेबिट कार्ड इन अपीरियंस बट इट हैज़ ए समॉल माइक्रो प्रोसैसर चिप एम्बेडेड इन इट मीनस की है स्मार्ट कार्ड भी द्वारा क्रैडिट कार्ड या डेबिट कार्ड वाग ही दिखाई देता होंगे पर ये की होंगे एक छोटी जी माइक्रो प्रोसैसर चिप होंगी है इस दे नाल की होंगे ये गाहक के काम नाल जुड़े अते उदी जड़ी कोई परसनल इनफॉर्मेशन होंगी है ये स्टोर करन दी समर्था होंगी है। स्मार्ट कार्ड जड़ा होंगे स्मार्ट कार्ड की जी वरतों है वह पैसे नू स्टोर करन दे लई कीती जांदी है हर ट्रांजैक्शन तो बाद रकम दी की हो जाती है कटौती हो जाती है। जो स्मार्ट कार्ड्स है स्मार्ट कार्ड्स कैन ओनली बी एक्सेस्ड यूजिंग ए पेन दैट एवरी कस्टमर इज असाइंड विद कहिंदे जो स्मार्ट कार्ड हुंदा है वह सिर्फ उन्ना पेन की वरतों करके पहुँच किए जा सकते हैं जो हर गाहक नू दिता गया हुंदा है। स्मार्ट कार्ड सुरक्षित हुंदे है क्योंकि वो जानकारी नू इनक्रिप्टेड फॉर्मेट विच स्टोर करते हैं अते ये की हुंदे है घट महंगे हुंदे है मतलब ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं हुंदे ते इन्हां दी जिहड़ी प्रक्रिया हैगी वो तेज़ हुंदी है। मेन इंडेक्स ते जो वीजा कैश है वो स्मार्ट कार्ड दी की है एग्जाम्पल्स है। नैक्सट आपां गल करदे हां ई मनी बारे। ई मनी ट्रांजैक्शन रैफरस टू सिचुएशंस वेयर पेमेंट इज़ डन ओवर द नैटवर्क एंड द अमाउंट गैट्स ट्रांसफर फ्रॉम वन फाइनैशियल बॉडी टू अनदर फाइनैशियल बॉडी विदाउट एनी इनवॉल्वमेंट ऑफ ए मिडल मैनस ये मीनस की है कहते ई मनी है जोड़ा वह लैन देन उस स्थिति का संकेत दिता जिथे की होंगी है जोड़ी अदायगी है मीनस पेमेंट है वह नैटवर्क पर की जाती है अते जो रकम हुंदी आ वो एक वित्ती संस्था तो दूजी वित्ती संस्था नू बिना किसी विचोले दे तब्दील की जाती है। ई पैसे का जो मतलब आप कह दिए ई मनी का लैन देन है वह तेज़ हुंदा सुविधाजनक हुंदा ते बहुत सारा उहदे नाल की हुंदा टाइम की बचत हुंदी है। जो क्रैडिट कार्ड है जां डेबिट कार्ड है जां स्मार्ट कार्ड है ये सारे की है पेमेंट आ जिहड़ियां ऑनलाइन पेमेंट है तो ये सारिया किस दियाँ एग्जाम्पल आ जाएँ ई मनी दग्जाम्पल आ जाए। एक होर उदाहरण की है ई मनी की वो है ई नगद। ई कैश के मामले में की होंगे गाहक व्यापारी दोनों ही कैश जारी करने वाले बैंक या कंपनी के नाल साइनअप करना पैंता है मीनस की है दोवें चाहे वह गाहक है या व्यापारी है उन्होंने कैश जारी करने के लिए कि साइनअप करना पेगा बैंक के नाल साइनअप करना पैंता है। नैक्सट आ जाता अपना ई एफ टी इसकी फुल फॉर्म की है इलैक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर इट इज़ वेरी पॉपुलर इलैक्ट्रॉनिक पेमेंट मैथड टू ट्रांसफर मनी फ्रॉम वन बैंक अकाउंट टू अनदर बैंक अकाउंट मीनस की है कहते एक बैंक खाते तो दूजे बैंक खाते जो पैसा आप ट्रांसफर करते हैं ये सब तो जोड़ा मशहूर जो आप कह दिए प्रसिद्ध इलैक्ट्रॉनिक पेमेंट विधि है। अकाउंट्स कैन बी इन द सेम बैंक और डिफरेंट बैंक कहते जोड़े अकाउंट होंगे है वो इको सेम बैंक के भी हो सकते हैं तो अलग अलग बैंक के भी हो सकते हैं। फंड ट्रांसफर कैन बी डन यूजिंग एटीएम और यूजिंग ए कंप्यूटर जो फंड ट्रांसफर होंगे वो एटीएम की वरतों करके भी किया जा सकता है तो कंप्यूटर की वरतों करके भी किया जा सकता है। अजकल की है कहते इंटरनेट पर आधारित ई एफ टी प्रसिद्ध हो रहा है इस स्थिति विच की होंदा एक गाहक बैंक द्वारा प्रदान की गई जिहड़ी वैबसाइट हुंदी है उहदी वरतों करदा मतलब जो बैंक वैबसाइट प्रोवाइड करवाउंदा उहदी वरतों करदा बैंक की वैबसाइट पर लॉगिन करदा अते किसी होर बैंक खाते नू रजिस्टर करदा उस तो बाद की होंदा कि खाते विच कुछ रकम तब्दील करदा जां उस दे लई की कर दिंदा बेनती करदा
ਗਾਹਕ ਦਾ ਬੈਂਕ ਰਕਮ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਇੱਕੋ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਉਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਬੇਨਤੀ ਇੱਕ ACH ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਰਕਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਰਕਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਾਹਕ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਕਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਬਾਰੇ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਖਾਤੇ ਸੇਮ ਬੈਂਕ ਦੇ ਆ ਚਾਹੇ ਅਲੱਗ ਬੈਂਕ ਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪੇਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ATM ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਜਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਈ ਪੇਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਬਾਰੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਵੀ ਜੋ ਔਨਲਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫੋਰ ਵਾਚਿੰਗ।